हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो ट्राइंगल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने बॉइल्ड आलू ले लिया था, तो इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो मैंने चिली पाउडर डाल लिया इसमें, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए आप भी। तो इसमें अब हम डाल लेंगे ब्लैक पेपर। तो हमने इसमें ब्लैक पेपर डाल दिया है और ये हम डालेंगे चाट मसाला। तो इसमें चाट मसाला डाल लिया है। अब डालेंगे थोड़ी, हमने ग्रीन चिली ले ली थी चॉप करके डाल ली है, और ये ले लिया हमने अदरक, इसको भी हमने ग्रेट करके इसमें डाल दिया है। तो ये टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने नमक डाल दिया है। और अब डाल लेंगे इसमें, ये हमने अजवाइन डाल लिया 1/4 टेबल स्पून। तो इसमें अजवाइन डाल दिया है, ये डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है। तो ये हमने डाल दिया इसमें, और ये हमने लास्ट में डाल दिया है। और फिर डाल लेंगे हम 2 टेबल स्पून करीब हमने कॉर्नस्टार्च डाल दिया है। तो इसको अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। देखिए, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड कर देंगे। और हमने एक पैकेट मैगी ले लिया है, इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं इसके। और इसका हम मसाला निकाल के इसको अच्छे से हम क्रश कर देंगे, कैसे छोटे छोटे टुकड़े हो जाए। और हमने स्लरी बनानी है, तो हमने इसके लिए 2 टेबल स्पून मैदा ले लिया है। उसमें हम ये मैगी टेस्ट मेकर जो था वो मिक्स कर लेंगे, और सॉल्ट डाल देंगे। तो इसको अच्छे से इसकी स्लरी बना देंगे। तो देखिए, ये कंसिस्टेंसी की स्लरी होनी चाहिए। तो अब हम चलिए ट्राइंगल्स बना लेते हैं। तो पोटैटो ट्राइंगल्स बना लेते हैं। तो इसको अच्छे से ऐसे शेप दे देते हैं। तो इसको दोनों एजेस इसके काट के फिर हमने ऐसे ट्राइंगल्स के शेप में इसको काट लिया है। आप जो भी शेप चाहें वो भी दे सकते हैं। तो इसको हमने अब ट्राइंगल्स काट के इसको हमने स्लरी में डिप करके अब इसको दोनों साइड से तो ये हमारे पोटैटो ट्राइंगल्स तैयार हो गए हैं। तो इसको हम सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो अब जो कुछ बच गए थे तो उसको हम वैसे ही डिप करके अब हम कॉर्नफ्लेक्स में इसको हम लपेट के फिर रख देंगे फ्रिज में। देखिए, तो अब हमने कढ़ाई रख दी है, तो तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, हमने इसमें जो फ्रिज में से जो 5 मिनट सेट होने के लिए रखा था, अब निकाल के हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे। तो देखिए, धीरे धीरे इसका कलर आने लग गया है। तो देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है। तो चलिए अब इसको गरम गरम, तो देखिए बिल्कुल फ्राई हो चुका है। और जो हमने कॉर्न फ्लेक्स वाले बनाए थे वो भी हम फ्राई कर चुके हैं। तो चलिए सर्व करते हैं। तो देखिए कितनी क्रंची सी इसका साउंड है, तो और बहुत ही क्रंची बना है। इसको चलिए टेस्ट करते हैं। खाने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। आप ही ये रेसिपी ट्राई करें अपने घर पे और अपने घर वालों को भी खिलाएं। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।